औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज मैं जहनुमा डिवीज़न के मेरे जितने भी प्राइमरी यूनिट के सदर और मोतमदीन, हम सब मिलके आज जो हमारे सदर आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पे जो हमला हुआ, जो फायरिंग हुई, उसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं। और इस तरीके के जो काम हो रहे हैं, जो हरकतें हो रहे हैं, हमारे सदर मोहतरम की शोहरत जो चल रही है उसको लोग बर्दाश्त नहीं कर सक रहे और खातिलाना हमला कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये सब चीज़ों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन घबराने वाली डरने वाली जमात नहीं है। हमेशा से ऐसे चीज़ें 60-65 साल से चलते आए हैं और हमारे सदर मोहतरम जाए वो सालार मिल्लत हो या फ़ख्र मिल्लत हो, इस सब चीज़ का सामना करते आए और हमारे सदर शेर की तरह बगैर सिक्योरिटी के निकलते हैं। उनकी जो शोहरत चल रही है, जो लाखों का जो मजमा आ रहा है उनके जलसों में, ये जो अपोजिशन वाले बर्दाश्त नहीं कर सक रहे हैं। और हम इस जो खातलाना जो हमला हुआ इसकी सख्त मजम्मत करते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं कि ये जितने भी खातिल है, जो खातियाँ हैं, इनको सख्त से सख्त सजा मिले और इनको जो सबने इनके अंजाम तक पहुँचाए। और ये जो हुआ है हादसा, इससे हमारे हौसले पस्त होने वाले नहीं हैं। हमारे सदर एक शेर है और इंशाल्लाह ताला कोई भी चीज़ को पीछे हटने वाले नहीं है। इससे हमारे हौसले और बुलंद हुए हैं। इसी तरह की हरकतें चलते आए हैं और चलते रहेंगे, हमको कोई इससे मतलब नहीं है। हम सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि खातिलों को सबसे सख्त इसकी सजा दे। और हम इलेक्शन कमिश्नर से भी अपील करते हैं कि इस मामले में नोट ले और ये जो हादसा हुआ इसकी पूरी तहकीकात कराए। और हम यूपी गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं कि इस मामले में सख्त से सख्त नोट ले और खातियों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा दिलाए जल्द से जल्द।